जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, वालेकुम और सलाम। वालेकुम सलाम सर, जी आ रही है। ये आपको वर्ड की फाइल नज़र आ रही है? आपको वर्ड की फाइल? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो बेटे आज जो हमने प्रैक्टिकल डिस्कस करना है दैट इज़ हेमेटोक्रिट या पैक्सल वॉल्यूम उसको कहते हैं हम। इसकी फर्दर डिटेल में जाने से पहले मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा बता दूं, बाकी मैं चाहता हूं कि आपको वीडियोस के थ्रू जो है वो मैं इसको समझाऊं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझ जाओगे। सिंपली यहां पे पर्पस क्या है इस प्रैक्टिकल का और इसको हम करते किन किन मैथड से हैं, सिर्फ वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट वीडियोज़ पर जाते हैं। सबसे पहले बात पर्पस की अगर बात करें तो आपको पता है कि जो ब्लड है उसके अंदर जो बाकी जब उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन दो लेयर्स बनती हैं, नीचे ब्लड सेल्स बैठते हैं और ऊपर प्लाज्मा आता है। सो बेसिकली जो अमोंग द ब्लड सेल्स जो सबसे ज़्यादा जो हैवीएस्ट सेल है दैट इज़ बेसिकली RBCs। सो RBCs को जब आप कोई ऐसा ब्लड लें जो कि एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड हो, जो कि क्लॉट ना हुआ हो, और उसको जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के नतीजे में क्या होता है कि जो हैवियर सेल्स हैं लाइक RBCs
वो सेटल डाउन कर जाते हैं, और जब वो सेटल डाउन करते हैं तो फिर हम उनकी वो एक लेयर सी बना देते हैं, एक खास जगह पे बॉटम में आके, एक खास पोजीशन पे आके पैक हो जाते हैं, पैक होके नीचे बैठ जाते हैं। तो वो जो लेयर बनती है सेल्स की आफ्टर सेंट्रिफ्यूगेशन, जो नीचे बैठ के जो सेल नीचे बैठ जाते हैं और वो जो एक लेयर बनाते हैं, उसको बेसिकली हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। और नॉर्मली पैक्ड सेल वॉल्यूम के अंदर हम मैयर करते हैं आरबीसीज की क्वांटिटी, कितनी आरबीसी क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीसीज जो हैं वो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, और हीमोग्लोबिन जो है उसका मेजर फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करना। सो अगर किसी भी वजह से अगर आरबीसीज कम होंगे तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी सेल्स की, और जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है फॉर द कैरिंग आउट द सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी की डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो इस कंडीशन में जिसके अंदर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ड्यू टू दी डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज या डिक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसीज, उसको हम कहते हैं एनीमिया। सो सिंपली अगर आपके पास हीमेटोक्रेट या पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल से कम आता है, सो हम कह देते हैं कि इस पेशेंट को जो है ये पेशेंट एनीमिक है। और अगर आपके पास हीमेटोक्रेट जो है या पैक्ड सेल वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा आता है, दैट इंडिकेट्स कि इन इन पेशेंट के अंदर ब्लड के अंदर नंबर ऑफ आरबीसीज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, और जब नंबर ऑफ आरबीसीज नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बेटे पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया इज बेसिकली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। ठीक है, सो एक्चुअली हम यहाँ पे इन चीज़ को देखते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम के अंदर। बस हमें सिंपली इन दो चीज़ों का पता चलता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम में हम कम कर क्या रहे होते हैं, हम बेसिकली अमाउंट ऑफ आरबीसीज देख रहे होते हैं कि कितने हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज़ अगर आपके पास अमाउंट ऑफ आरबीसी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो अगर नॉर्मल से आपके पास कम आती है, दैट इंडिकेट्स एनीमिया। व्हाइल इफ द पैक्ड सेल वॉल्यूम इज हायर देन नॉर्मल, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट पेशेंट हैज पॉलीसाइथीमिया। और आखिरी बात कि पैक्ड सेल वॉल्यूम को या हेमेटोक्रिट को जो हम मैयर करते हैं उसका जो यूनिट होता है दैट इज परसेंटेज में मैयर किया जाता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन जो है वो आप ग्राम पर डेसीलीटर में करते थे, उसका यूनिट ग्राम पर डेसीलीटर होता था। पैक्ड सेल वॉल्यूम का यूनिट है 100%। ठीक है, और इसको हम मैयर करते हैं दो तरीकों से, दो मेथड्स हैं इसके। पैक्ड सेल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक को हम कहते हैं मैक्रो मेथड या इसको हम विंट्रोप मेथड भी कहते हैं। मैक्रो मेथड या विंट्रो मेथड ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको मैक्रो मेथड कहते हैं या विंट्रोप मेथड कहते हैं बिकॉज इसके अंदर विंट्रोप ट्यूब यूज होती है। इसको कैसे करते हैं वो अभी हम प्रोसीजर वहाँ से वीडियो में देख लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद दूसरा जो मेथड है दैट इज़ बेसिकली माइक्रो मेथड। माइक्रो मेथड को हम कैपिलरी मेथड भी कहते हैं बिकॉज इसके अंदर हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम, इस वजह से इसको हम कैपिलरी मेथड भी कहते हैं। ये भी हम वीडियो से देख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखेंगे वो होता है कि जब आप ये फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास विंट्रोप ट्यूब है और इसमें जब आप ब्लड लेते हो एक सर्टन अमाउंट तक, वो आगे आपको बता दूंगा मैं, तो जब आप ब्लड लेते हो उसको आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आपके पास मेजरली दो लेयर्स बनती हैं, रादर थ्री लेयर्स बनती हैं। सो नीचे जो सबसे नीचे बैठ जाते हैं जो हैवियर होती होंगे सेल्स वो सबसे ज़्यादा नीचे बैठ जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास बेसिकली ये आर बी सीज होते हैं। सो ये देखें ये लिखा हुआ है दिस इज हेमेटोक्रेट एंड हेमेटोक्रेट इज वो आर बी सीज। दरमियान में ना आपको प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के दरमियान आपको ऐसी वाइट कलर की ना फोम्स फोम्स फोमी की लेयर मिलेगी, उसको हम कहते हैं बफी कोट। ठीक है, इस बफी कोट के अंदर बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, और इससे ऊपर येलो कलर की उसका फ्लूड आपके पास होगा, वो बेसिकली दैट इज। ठीक है, नॉर्मल ब्लड के अंदर
जो हिमेटोक्रेट होता है इन केस ऑफ फीमेल दैट इज 37 to 47%, इट्स नॉर्मल वैल्यू ऑफ हेमेटोक्रेट इन फीमेल्स, वाइल इन मेल इट इज 42 to 52%। सो दिस इज नॉर्मल वैल्यूज ऑफ पैक्सल वॉल्यूम और हेमेटोक्रेट। और जब आपके पास ये नॉर्मल वैल्यूज जो है वो कम हो जाती हैं, दैट इज ड्यू टू एनीमिया, एंड हियर यू कैन क्लियरली सी द लेयर ऑफ ब्लड सेल्स, द हेमेटोक्रेट इज डेफिनेटली डिक्रीजिंग। सो दैट हेमेटोक्रेट डिक्रीज इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज एंड सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। सो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपके पास प्लाज्मा की लेयर तो बहुत ज़्यादा होगी और पैक्सल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, आरबीसीज बनेगी। और इसी तरह से अगर पॉलीसाइटीमिया में देखें तो आपके पास नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा होते हैं उस कंडीशन के अंदर, सो आपके पास फॉर्म एलिमेंट या हेमेटोक्रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो सिंपली आपने पैक्सल वॉल्यूम आज हमने डिस्कस किया करना था, और उसके अंदर हमने पैक्सल वॉल्यूम को हम करते क्यों हैं, हम आरबीसीज की क्वांटिटी जो है फाइंड करना चाहते होते हैं, उसकी अमाउंट, उसकी परसेंटेज देखना चाहते होते हैं, हम पैक्सल वॉल्यूम को फॉर्म करते हैं, और ये इसकी इंडिकेशंस क्या है। इंडिकेशंस ये हमें दो चीज़ों का ही बता सकती है सिर्फ पैक्सल वॉल्यूम, या तो अगर नॉर्मल से कम है तो दैट इज एनीमिया, और अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो फिर पॉलीसाइथीमिया। और पैक्सल वॉल्यूम को हम दो मेथड से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है माइक्रो मेथड, माइक्रो मेथड को हम विंट्रोप मेथड भी कहते हैं, जिसके अंदर विंट्रोप ट्यूब यूज होती है, प्रोसीजर में आपको अभी बताता हूँ रेडियो के थ्रू। और दूसरा जो है दैट इज माइक्रो मेथड, जिसको हम कैपिलरी मेथड भी कहते हैं, और इसमें इंस्टेड ऑफ वेंट्रोप ट्यूब कैपिलरी ट्यूब यूज होती है, सो इसको हम इस वजह से कैपिलरी मेथड भी कहते हैं। सो दिस इज जनरल, ये जनरल डिस्कशन थी अबाउट द पैक्सल वॉल्यूम। अब हम वन बाय वन ना दो तीन वीडियोस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। मैं अभी आपके पास आपको बताता हूँ बेटे, आप लोग की क्लास में हफ्सा सुलेमान है स्टूडेंट कोई? नो सर, अच्छा, अभी आपको स्क्रीन तो नहीं नजर आ रही बेटे? नो। ये अब आपको, आपके आपको नजर आ रही है बेटे ये यूट्यूब की स्क्रीन वीडियो? यस सर, चलें जी, तो इसको एक दफा आप लोग देखें कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद हम दोबारा आखिर में आप लोग फिर अपने क्वेश्चंस कर सकोगे मुझसे। तो टुडे टॉपिक इज पीसीवी और आल्सो कॉल्ड एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। व्हेन वी डू टेस्ट इन अ मशीन इट इज कॉल्ड एज हेमेटोक्रिट, एंड मैनुअली इट इज कॉल्ड एज अ पीसीवी। तो व्हाट इज पीसीवी? इट जस्ट मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सर आवाज पैक्ड कम आ रही है। सेल इन अ सैंपल, एंड अच्छा, वन एक इन सेकंड एक सेकंड। PCV also called ठीक as है आप, packed cell volume. When we do यस test in a सर, machine, it is called as hematocrit, and manually it is called as a PCV. So what is PCV? It just measuring the volume of red blood cell from whole blood in a sample. And one important and reminding thing in PCV that the result should be expressed in a percentage. So normal range of PCV different male and female. In male 40 to 54%. In female 36 to 46%, and it may vary from lab to lab. So important thing about PCV that PCV roughly Hb into 3. You can calculate some value and it should be roughly same. So why we will test the PCV?
So it is mainly done to investigate or identify whether patient is anemic or polycythemic. Polycythemic just increasing of red blood cell and anemic is decreasing of red blood cell. So what are the different method for investigation PCV? So one is macro method, another is micro method. As macro method, it is developed by Winthrop called as Winthrop method also, and Winthrop tube having a specification that 11 centimeter long, internal diameter is 2.5 mm. Micro, as name suggests, it is a micro tube, capillary tube, which is heparinized or without heparinized. Small capillary tube containing a length of 7.5 centimeter and internal diameter is 1 mm. One important thing in case of macro method, the collection should be done in erect anticoagulant. So this is a Winthrop tube, and we are doing a macro method using a Winthrop tube. So it is recommended by ICSH, International Council for Standardization in Hematology. So specification of a tube that 0 mark at the lower side and 10 mark at the upper side. Gap between 0 to 1, it is 1 centimeter. So 1 centimeter contains 10 millimeter. So 10 into 10 is equal to 100 division of full tube. So what is the principle? When anticoagulant blood is centrifuged in a machine at a speed of 3000 rpm, then the red blood cell packed at the lower side. So this is called as a packed cell volume. You can see in the picture, red one. So procedure for macro method is, first we should collect the blood in a dirty vial, then we fill the Winthrop tube using a pasteurized pipette up to 10 mark. Now place the tube in a centrifuge at a 3000 rpm for 30 minutes. After that, we note the upper marking where the red cell are touched and express the percentage. You can see in the picture, the result 55%. Another one, microhematocrit method. It is mainly done for finger prick, and it is used for particularly in a pediatric patient or in a infants where it will be difficult to draw in a sufficient amount of blood. So one important thing about microhematocrit method, we are using a capillary tube, which may be heparinized or may not be. An important instrument required in the microhematocrit method are microcentrifuge and a microhematocrit reader. So procedure for microhematocrit: prick the finger of patient, touch the capillary tube and fill in the tube about 1/3-1/4 length. Now seal the untouched end with the clay wax and centrifuge the tube using a microhematocrit centrifuge at 12,000 Z for 5 minutes. Now determine the PCV using a microhematocrit reader. How we take reading in a microhematocrit method? So first of all, we set the capillary tube at the right side and leave the lower sealed area. After that, we slide the capillary tube toward the left end and note the point where the plasma is touched to 100. You can see in picture. Finally, note the packed cell volume. Thank you. I hope you like this and maybe useful for you. अच्छा एक सेकेंड, अब आप लोग एक दफा इस वीडियो को भी देख लो, आपको और चीजें बेहतर तरीके से आ जाएंगी। इसमें पर्टिकुलरली विंट्रोप मेथड डिस्कस किया गया है। अभी आपको पहले वीडियो में जनरली दोनों मेथड्स को उसने जनरली जल्दी 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 से बता दिया। अब इस वीडियो में आप लोग विंट्रोप मेथड को जरा गौर से देखिएगा। ये स्क्रीन नजर आ रही है बेटे सबको? वीडियो नजर आ रही है सबको YouTube की? नो सर। अच्छा एक सेकंड। जी अब नजर आ रही बेटे? नो सर। नो सर। सर नहीं नजर आ रही। अब आ रही है। करें ठीक है जी, आप इसको एक दफा देखो। सर अब आ रही है। Hematocrit or packed cell volume determination. Hematocrit literally means blood separation. It measures the percentage of volume of packed red cells in a volume of whole blood. So, it is also known as packed cell volume or PCV.
It is a screening test for anemia or polycythemia. A volume of anticoagulated blood is placed in a glass tube, which is centrifuged, so the blood will be separated into three layers: red cells, buffy coat of WBCs and platelets, and plasma. Ideally, there should be complete separation of the three layers. Hematocrit is the ratio of the height of red cells column to that of the whole blood in the tube. Winthrop tube is a 110 millimeters long, narrow, thick-walled tube, an internal diameter of 2.5 millimeters. It is graduated from 0 to 10 centimeters with graduation both in ascending and descending order on two sides of the tube. The scale with the markings from 0 to 10 from above downwards is used in ESR determination, and from below upward is used for hematocrit or PCV determination. Apparatus required to measure PCV by Winthrop method: Winthrop tube, centrifuge machine, Pasteur pipette. Procedure: under aseptic conditions, obtain a venous blood sample. Carefully mix the blood sample in EDTA vial by repeated inversion. Fill the Winthrop tube with the help of Pasteur pipette to the 10 cm mark. There should be no air bubbles. Place the Winthrop tube in the centrifuge machine and other Winthrop tube filled with water on the opposite side so as to balance it. Turn the centrifuge on to the slow speed and then gradually increase the speed. Centrifuge for 30 minutes at 3000 revolutions per minute. After 30 minutes, stop the centrifuge machine and allow it to stop by itself. Take out the Winthrop tube and note the readings directly off the graduation. The red cells are seen packed at the bottom, and straw-colored column of plasma is seen above that. In between, there is a grayish-white layer consisting of WBCs and platelets. This layer is called the buffy coat and is 0.5 to 1 millimeter in thickness. Read the level at which erythrocytes meet leukocytes. Quality control. The test should be performed in duplicate to check for imprecision. The duplicate test should not differ by more than 50%. Sources of error. Hemolyzed samples may give falsely decreased results and should not be used. Blood must be well mixed and should be at room temperature before testing. The time and speed of centrifugation are important factors in obtaining maximum packing of the red cells. Inadequate centrifugation will result in falsely elevated results due to excessive trapped plasma. The blood to anticoagulant ratio is particularly important, especially when using EDTA. Excessive EDTA will cause a falsely decreased hematocrit due to shrinkage of the red blood cells. Falsely increased hematocrits may be reported. The buffy coat, which is comprised of white cells and platelets, is usually a very thin whitish layer above the red cells that can be observed when the blood is centrifuged. In disease states where the white count is excessively elevated, inclusion of the buffy coat can cause a significant error. Failure to read the hematocrit within 10 minutes after the centrifuge stops will result in predispersion of the red cells in the plasma and a slanting of the red cell plasma interface, causing a falsely elevated reading. Even when the hematocrit is properly centrifuged, there remains a small amount of plasma trapped in the red cell column. When comparing manual hematocrits from an automated instrument,
which does not have trapped plasma, the manual result is usually about 1 to 2% higher. Normal ranges for PCV in adult males, 40% to 50%. In adult females, 37% to 47%. जी, अब हम एक फाइनल वीडियो पे आते हैं जो कि माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड को एक्सप्लेन करेगा, जो कैपिलरी मेथड है उसको बेसिकली एक्सप्लेन करेगा। अब ये फाइनल वीडियो है, इसको एक दफ़ा देख लें, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस के बाद होंगे तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। जी, अब आपको ये वीडियो नज़र आ रही है बेटी? यस सर। जी सर। ठीक है जी, तो इसको एक दफ़ा काइंड गौर से देखिएगा। ये है माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड, जो कि पैदरी मेथड है, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे और इसको परफॉर्म कर रही हैं प्रैक्टिकली। आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए। Again, today we're going to read a PCV in total solids. I already have my blood sample and I've got it here in a lavender top tube, so it's already anticoagulated. So the hematocrit tubes I'm going to use have no additive in them and they come in this blue container here. So I need to make sure that my sample is mixed in the container. And then I'm going to fill my PCV tubes about 2/3 of the way to the top. It's a pretty good amount in there. And then I'm going to put them in the clay here. You want to fill two tubes so that you have a counterbalance in your centrifuge. Maybe a little too much blood in there. Okay. I'm going to take both of these, place them in my hematocrit centrifuge. I have balances on the other side here. And then I'm going to spin them for 3 minutes. Okay, these have finished spinning in the centrifuge, so I'm going to take my tubes out. And you can see that the centrifuge has spun down, so now I have a clear distinction between my red blood cells here at the bottom, and then there's a clear layer of plasma here on the top. So I'm going to take this hematocrit reader card. What you want to do is line up the bottom of the blood line with a zero line here, and you want to take the top of the plasma line with a top line up here. Get those set. And then where your blood meets your plasma, that's what your packed cell volume is. And in this dog, it is 51%. So his packed cell volume is 51%. That's at the high end of normal. Normal is about 35 to 50%. A PCV should always be interpreted along with a total solids. जी बेटे, क्वेश्चन हो किसी का, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग वन बाय वन पूछ सकते हैं बेटे। जी बेटे, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मैं दोबारा उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। किसी भी मेथड की समझ ना आई हो सर, ये जो माइक्रो मेथड है, इसमें जो पीछे जो चार्ट यूज किया जाता है उसका भी कोई नाम है? ये रीडर है, माइक्रो हेमेटोक्रिट रीडर होता है ना, इसको रीडर कहते हैं, जो चार्ट है। और इसमें सिंपली क्या होता है, ये जो माइक्रो हेमेटोक्रिट कैपिलरी ट्यूब है ना, इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती, बस इसको अंदाजे से 2/3 फिल करना होता है। मतलब आपने उसको ब्लड में रखा और उसको अंदाजन जो उसको अगर उस ट्यूब को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो इक्वल, तो आपने 3 पार्ट्स तक उसको, अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो इक्वल में, तो उसको आपने 2 पार्ट्स तक उसको फिल करना है।
और फिर उसके बाद आपने वो जो नहीं होता जो बच्चे खेलते होते हैं जिससे चीजें बनाते हैं, जो प्लास्टिक जो सीलिंग क्ले होता है, जो जिससे वो चीजें भी बनाते होते हैं अक्सर, ये जो नर्सरी और प्राइमरी के बच्चे होते हैं डिफरेंट कलर्स में जो सीलिंग क्लेज आती हैं, तो ये वो सीलिंग क्ले वही वाली सीलिंग क्ले है सिंपल। उसमें क्या करते हैं इसकी, चूंकि दोनों एंड्स जो है इसके ओपन होते हैं, जो इसका कैपिलरी ट्यूब का दोनों एंड्स ओपन होते हैं, तो आप जब ब्लड उसमें ले लेते हो तो फिर जिस साइड से आपने ब्लड लिया होता है ना, तो उसी बॉटम को आप सील कर देते हो विद दी सीलिंग क्ले। सीलिंग क्ले से जब उसको आप सील कर देते हो तो फिर वो मतलब पैक हो जाता है, और फिर उसको आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हो। ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है कैपिलरी के लिए, कैपिलरी मेथड के लिए भी स्पेसिफिक होती है, इसको हम कहते हैं माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज मशीन। और इसकी जो है स्पीड फिक्स होती है, स्पीड स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 12,000 RPM पे चलती है 3 मिनट्स के लिए। तो एक तो ये मेथड कैपेलरी मेथड थोड़ा सा फास्ट मेथड है इन दैट सेंस के आपको उसमें जो वेंट्रोप मेथड में आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, जबकि कैपेलरी मेथड में आप सिर्फ 3 मिनट सेंट्रीफ्यूज करते हो और उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। सेकेंड ये कि कैपेलरी मेथड के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो बहुत थोड़ा चाहिए होता है, तकरीबन कोई कोई माइक्रो लीटर्स के अंदर आपको ब्लड चाहिए, 75 to 100 माइक्रो लीटर ब्लड आपको टोटल चाहिए, तो वो इतना ज़्यादा ब्लड भी आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि आपको दूसरे मेथड के अंदर ब्लड भी आपको ज़्यादा चाहिए होता है विंट्रोप मेथड के अंदर। सो दोनों मेथड्स के अपनी सिग्निफिकेंस हैं। विंट्रोप मेथड में ये होता है कि आप प्रॉपरली ट्यूब को फिल कर सकते हो। कैपिलरी मेथड में अक्सर ये होता है कि आप जब इस ये चूंकि कैपिलरी ट्यूब है, इसको जब आप ब्लड में रखते हो तो थ्रू कैपिलरी एक्शन ब्लड इसके अंदर आता है, तो अगर आप किसी वजह से भी अगर जिस टाइम ब्लड इसके अंदर आ रहा होता है और अगर आप ट्यूब को थोड़ा सा हिला दो तो एकदम से वो कैपिलरी एक्शन स्टॉप हो जाता है, तो ट्यूब अगर आधी फिल हो गई हो या आधी से कम फिल हो गई हो तो उसके आगे फिर उसमें ब्लड अक्सर नहीं आता होता। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं थोड़े से, अदरवाइज एक अच्छा मेथड है माइक्रो मेथड हीमोग्लोबिन बैक्सेल वॉल्यूम एस्टिमेशन को। ठीक है बेटे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? जी सर, ये जो हम ब्लड लेते हैं पहले, उस ब्लड के अंदर कुछ डालते तो नहीं? ऐसे बस ब्लड को हम वो टेस्ट ट्यूब में या उसमें डाल नहीं लेते हैं? नहीं नहीं ब्लड एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड होता है ना, बिक्यूटेनर हम यूज करते हैं जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट, ये तो जरूरी है बैक्सेल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। देखो दो चीजें हैं, अगर आप मैक्रो मेथड से कर रहे हो, अगर जो आपका विंट्रोप मेथड है उसमें तो आपको जरूर ब्लड जो है वो एक्यूटेनर के अंदर लेना होगा जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट एडेड होता है, इसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता, ठीक है? वरना यस अगर सर, ब्लड क्लॉट कर जाए तो फिर तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो होगी नहीं और फिर तो लाइसिस होगी। लेकिन जो माइक्रो मेथड है कैपिलरी मेथड, इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब्स आती है ना वो दो तरह की होती हैं। एक एक टाइप ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऐसी होती है जिस जो कि एंटी कोगुलेंट कोटेड होती है, जिसको हेपरिनाइज ट्यूब कहते हैं, और एक ऐसी होती है जिसको हम जो एंटी कोगुलेंट जिस कोटेड नहीं होती, जो सिंपल होती है नॉन हेपरिनाइज होती है। सो जो अगर आप ऐसी कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे हो जिसमें जो हेपरिन कोटेड है, सो उसमें तो ये होता है कि आपने जस्ट फिंगर प्रिक किया और डायरेक्टली जो ड्रॉप ऑफ ब्लड फिंगर के ऊपर आता है उस प्रिक के ऊपर, प्रिक करने के बाद तो उसको आप डायरेक्टली ले लेते हो और उस ट्यूब के अंदर ऑलरेडी हेपरिन कोटेड है तो ब्लड उसके अंदर जल्दी क्लॉट नहीं करता। लेकिन जो दूसरा है जिस टाइप ऑफ कैपिलरी ट्यूब जिसके अंदर हेपरिन जो हेपरिन कोटेड नहीं है सिंपल है, सो उसमें ये होता है कि जो आप ब्लड ले रहे हो जिस जो सा ब्लड आप ले रहे हो वो जरूर ऐसा हो कि उसके अंदर पहले से एंटीकोगुलेंट डला हो ताकि वो क्लॉट ना हो और आप इजीली जो है उसमें से ब्लड कलेक्ट कर सकें, उसमें से इजीली जो है वो कैपिलरी ट्यूब में से ले सकें। ठीक है जी सर, ठीक है, थैंक यू जी, वेलकम जी। बेटे किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, बतावर। सर, जो है ना ये जो फिक्सिड वॉल्यूम काउंट है, पीवीसी काउंट, ये हम आरबीसी को काउंट करने के लिए, मतलब उसके अमाउंट फाइंड करने के लिए ये टेस्ट करते हैं ना, तो हम जी आरबीसी काउंट टेस्ट भी तो करते हैं ना, जो हमने पहले पढ़ा था आरबीसी काउंट, तो उससे नहीं पता चल हाँ सकता कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी के अमाउंट कितने कम है या ज्यादा है? हाँ वो तो बेटे वो तो ज़्यादा स्पेसिफिक है ना, हमने अगर बाज़ूकात ऐसा होता है हमें जल्दी होती है, हम जो है वो चाहते हैं कि नहीं यार हमें
जल्दी से पता चले पेशेंट की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। सो उस केस में हम जल्दी से ये उसका ब्लड लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। उस परसेंटेज से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार उसके अंदर नंबर ऑफ़ आरबीसीज उसके ब्लड के अंदर प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है। तो फर्दर उसको क्लेरिफाई करने के लिए कितने हैं कितने नहीं है, तो उसके लिए तो आरबीसीज काउंटिंग जो है वो ज़्यादा बेस्ट मेथड है। बट इसके अपने एडवांटेजेस हैं, इस वजह से इसका अपना एक इन्फ्लुएंस है। ये जो टेस्ट है पैक्सिल वॉल्यूम, ये आपको हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बता रहा है ना एक तरह से। और अगर आपको याद हो एक वीडियो में, स्टार्ट वाली वीडियो में उसने कहा कि रफली अगर आप हीमोग्लोबिन की जो आपके पास वैल्यू आई है उसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास पैक्सिल वॉल्यूम, या 3 times, मतलब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वैल्यू पैक्सिल वॉल्यूम की आ जाती है। सो वो भी उस सेंस में उसने कहा है कि ये जो तो इसमें ये है कि ये आपको ये जल्दी से जो है ना आपको सिर्फ बता देता है रफली कि कितने अमाउंट ऑफ ब्लड सेल की अमाउंट जो है परसेंटेज टोटल ब्लड में से जो है वो पूरी है, कम है, ज़्यादा है, नॉर्मल है। तो उससे आपको रफली आइडिया भी हो जाता है कि यार इसका अगर नॉर्मल आ रहा है तो इसके नंबर ऑफ़ आरबीसीज भी तकरीबन जो है वो नॉर्मली होंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ोकात ऐसे होता है कि एक इंडिविजुअल है जो कि हाई एल्टीट्यूड पर नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग नॉर्थ जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, वहाँ पे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन है एटमोसफेयर के अंदर वो कम होती है। सो इस वजह से जो एटमोसफेयरिक ऑक्सीजन जब कम होगी तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है आरबीसीज की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टाइम पे एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, तो फिर वो चूँकि एयर के अंदर ऑक्सीजन कम है सो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा अवेलेबल होगा फॉर बाइंडिंग विद दी हीमोग्लोबिन। सो बजाय इससे कि 4 मॉलिक्यूल बाइंड करें, शायद 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल बाइंड करके वो ब्लड आगे गुजर जाता है। सो उस केस में क्या होता है कि अब सेल्स को तो नहीं पता कि इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कम है, उनको तो उतना ही ऑक्सीजन चाहिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी करने के लिए। सो वो क्या करते हैं, वो जब उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता तो डिक्रीज ऑक्सीजन की वजह से जो है हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन बॉडी। जब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। सो हाइपोक्सिया जब डेवलप होता है तो दैट हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स द बोन मेरो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। सो उस केस में क्या होता है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज आरबीसीज जो है वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहे ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट इन द इनहेल्ड एयर। सो इस वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ हों ताकि बेशक 3-3 सवारियाँ बैठें, 2-2 सवारियाँ बैठें, लेकिन किसी तरीके से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए सेल्स की, तो उस कंडीशन में पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा है कि वो हाई एल्टीट्यूड पे नहीं रह रहा और उसके जो है वो पैक्सिल वॉल्यूम आपके पास ज़्यादा आ गया, तो फिर ये भी हो सकता है कि फिर आप कंफर्म करेंगे कि यार ये पैक्सिल वॉल्यूम इसका ज़्यादा क्यों आ रहा है, ये तो हाई एल्टीट्यूड पे भी नहीं रह रहा, ये तो पिछले कोई पूरे लाइफ में जो है वो गया ही नहीं है, और इतनी जल्दी भी नहीं होता कि हम जब घूमने फिरने जाते हैं हफ्ते या 8-10 दिन के लिए तो उसमें हमारे में पॉलीसाइथीमिया सडनली हो जाए, वैसे नहीं होता, एक कंटिन्यूस एक्सपोजर चाहिए होता है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन है जो कि अगर बंदा नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है और उसको पॉलीसाइथीमिया हो जाए और उसके नंबर ऑफ आरबीसीज जो हैं वो उसका जो परसेंटेज है पैक्सिल वॉल्यूम का परसेंटेज ज़्यादा आ जाए, तो फिर उस केस में आपको ये डाउट होता है कि हो सकता है कि इसके नंबर ऑफ़ आरबीसीज जो हैं वो या तो नंबर ऑफ़ आरबीसीज ज़्यादा तो नहीं हो सकते, हो सकता है अमाउंट जो साइज़ ऑफ आरबीसीज हैं वो ज़्यादा हो गए हों। सो वो भी एक टाइप ऑफ एनीमिया होती है जिसके अंदर आरबीसीज जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ में बनते हैं, तो फिर आप उसको देखने के लिए कंफर्म करते हो, उसकी आरबीसी काउंटिंग करते हो कि अगर आरबीसी काउंटिंग की जाए, जब आप आरबीसी काउंटिंग करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ आरबीसीज कम आएंगे, आप हैरान हो जाओगे कि पैक्सिल वॉल्यूम तो ज़्यादा था और नंबर ऑफ़ आरबीसीज कम है तो एनीमिया और वहाँ पे पॉलीसाइथीमिया दिखा रहा है। सो जब आप आरबीसीज कंफर्म करते हो और आपके पास नंबर ऑफ़ आरबीसीज थोड़े आते हैं, सो दैट कंफर्म्स दैट पेशेंट हैज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन विच नंबर द आरबीसी साइज आर
हैव लार्जर फ्रॉम द नॉर्मल. तो जब वो नॉर्मल साइज से बड़े बड़े होंगे तो वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे. तो जब उसका एक्सल वॉल्यूम आप करोगे और नीचे बैठेंगे तो वो जो उसकी लेयर बनेगी वो थिक बनेगी. तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं बख्तावर इसको समझने के लिए. सो सिंपली हर एक उसकी जो है ना अपनी सिग्निफिकेंस है. और ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया बल्कि ज़्यादा ही बता दिया. जी ठीक है सर जी. और बेटे किसी के कोई क्वेश्चन हो? क्लियर सर. इन दोनों मेथड में क्या है? इन दोनों मेथड्स में क्या सर डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? सबसे पहले डिफरेंस तो बेटे वॉल्यूम yes. जो अगर फायदा अगर हम देखें ना कि कौन सा इन दोनों के अपने अपने फायदे हैं. एक तो ये कि विल्ट्रो मेथड के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है ना वो ज़्यादा चाहिए होता है. ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपको रिक्वायर्ड होता है. और कैपिलरी मेथड के अंदर जो है वो कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड होता है. लेकिन जो वेंट्रो मेथड है उसका मैंने आपको बताया कि उसमें जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है. बिकॉज उसमें जो ब्लड आप ऐड कर रहे होते हैं वो आप मैन्युअली ऐड करते हैं बाय द यूज ऑफ पास्चर पेपर ना ड्रॉपर के थ्रू. आप ब्लड उसमें खुद ऐड करते हो तो वो प्रॉपर जितने अमाउंट तक ट्यूब के अंदर ब्लड चाहिए होता है ऐड करना होता है वो आप प्रॉपर खुद ऐड कर लेते हो. जो कैपिलरी मेथड है वो तो कैपिलरी एक्शन से ब्लड ले रहा होता है. सो बाजू का ड्यूरिंग दैट कैपिलरी एक्शन अगर आप थोड़ी सी ट्यूब को हिला दोगे या वो किसी भी वजह से हिल गई और ब्लड से बाहर आ गई तो कैपिलरी एक्शन स्टॉप हो जाता है. और इस ट्यूब का अक्सर ये प्रॉब्लम है कि इसमें आप जब दोबारा उसको रखते हो कैपिलरी ट्यूब को ब्लड के अंदर फॉर फर्दर कैपिलरी एक्शन तो अक्सर नहीं होता. सो उसमें जो जो आपको डिजायर्ड लेवल तक ट्यूब फिलिंग रिक्वायर्ड होती है वो प्रॉपर नहीं होती. सो इस वजह से एज कम्पेयर टू इन दैट आस्पेक्ट विंट्रो मेथड इज़ बेटर दैन कैपिलरी मेथड. लेकिन अगर वॉल्यूम के हवाले से देखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इन दी विंट्रो मेथड एज कम्पेयर टू कैपिलरी मेथड. सो अगर आपको कोई बच्चों के अंदर करना होगा या कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको ब्लड ज़्यादा नहीं मिल सकता तो उसमें आप कैपिलरी मेथड जो है वो ज़्यादा प्रेफर करोगे. थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली टाइम है. कि कैपिलरी मेथड के अंदर आप पास 3 मिनट्स के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं और विंट्रो मेथड में आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स की सेंट्रीफ्यूगेशन करनी पड़ती है और 30 मिनट्स के बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं. सो दोनों मेथड्स हैं. दोनों मेथड्स के अपने अपने फ़ायदे हैं उसको आप लेकिन वो डिपेंड करता है आपके सिनेरियोस पे कि यार आपके पास कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और आपके पास ब्लड कितने का वॉल्यूम कितना है कि किस हिसाब से चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसी कंडीशन से आप शुरू कर लेते हो. दोनों मेथड्स बेहतर हैं कर सकते हो आप. लेकिन मैंने आपको उनके फायदे और ड्रॉबैक्स बता दिए. जी जी अनिला आपको जवाब मिल गया आपका? क्लियर चलें तो बेटे फिर लेक्चर होगा थ्योरी का कल और परसों इस वीक और नेक्स्ट वीक से फिर आप लोग बुध और जुमेरात को आपका लेक्चर हुआ करेगा. थ्योरी का जुमे को नहीं हुआ करेगा. ठीक है. तो आपके हफ्ते में 2 लेक्चर्स होंगे और एक प्रैक्टिकल. ठीक है. प्रैक्टिकल की टाइमिंग 12 बजे हुई होंगी 12 से 1 और थ्योरी की टाइमिंग जो है वो बुध और जुमेरात 2:30 से 3:30 आपकी थ्योरी की टाइमिंग होगी. ठीक है. सिर्फ इस वीक हम थर्सडे और फ्राइडे जो है वो थ्योरी लेंगे वो सर हबीब ने पढ़ानी है आपको. ठीक है. तो आप लोग कोशिश करो कि सर के लेक्चर के लिए टाइमली आया करो क्योंकि वो उसमें चीज़ें आपको मिस नहीं होनी चाहिए. ठीक है. चलो थैंक यू बेटे. ओके अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज सर.